Assalamualaikum to my all viewers, welcome to my channel. आज मैं आप सबको बताऊंगी मांडा पट्टी बनाना। तो सबसे पहले आप उसके अज्जा देख लें। एक चम्मच नमक, आधा कप घी, एक किलो मैदा और पानी हसबे ज़रूरत मैदा गूंदने के लिए। तो सबसे पहले मैदे में मैं नमक और घी को अच्छी तरह मिक्स करूंगी कि ये दोनों चीज़ें मैदे में इक्वली मिक्स हो जाएं। उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे। ना तो मैदा बहुत सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत नरम। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी डो गुन चुकी है। तो अब मैं इसे इसी बाउल में रख कर इस पर घी ब्रश करूँगी। घी या ऑयल कुछ भी आप ब्रश कर लें और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। अब ये देखें, इस साइज़ के मैंने इक्वल पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़े की मैं रोटी बेल के बताती हूँ। इसी साइज़ की सारी रोटियां बेल लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। तो अब मैं इस पे घी ब्रश करूंगी और मैदा डस्ट करूंगी। इस तरह यही एक्शन मैं दोबारा रिपीट करूंगी। ब्रश एंड डस्ट, ब्रश एंड डस्ट। बस अब मैं इस रोटी को बेल लूँगी। आप अगर चाहें तो आप 10 इस तरह से रोटियों को लगा के बना लें या आप 15 का बना लें। सिर्फ आप लोगों को ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आप 3 पेड़े ले रहे हैं तो आप रोटी ज़्यादा पतली बेलेंगे। अगर आप 5 ले रहे हैं तो आप उसकी नस्बत थोड़ी सी मोटी बेलेंगे। अगर आप 10 ले रहे हैं तो आप 5 की नस्बत थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रखेंगे। कोशिश करें कि जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो 3 या 5 रोटियों का पहले ट्राई करें ताकि उनके प्रैक्टिस हो जाए और उन्हें समझ आ जाए कि किस तरह से करना है। ये बहुत ईजी तरीका है और टाइम सेविंग है। ब्रश एंड डस्ट की तरह यहाँ पर भी अब एक एक्शन रिपीट होगा। कुक, टर्न एंड सेपरेट, अगेन कुक, टर्न, सेपरेट। एक तरफ से हम थोड़ा सा सेक लगने देंगे, हम इसको दोबारा से टर्न करेंगे। जब तक हम वो रोटी जो है अलहदा करेंगे तब तक हमारी ये वाली साइड कुक हो जाएगी। यही एक्शन दोबारा रिपीट करें। इस तरह से आप जितनी मर्जी रोटियां एट अ टाइम बना लें या बोल सकते हैं जितनी आप एट अ टाइम हैंडल कर सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मांडा पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं और कितनी जल्दी और कम टाइम में। तो अब मैं आपको इनकी कटिंग बताती हूँ कि रोल और समोसों के लिए कटिंग इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समोसों की बता रही हूँ, वो जो कीमे वाले समोसों के लिए होती हैं। उससे एक रेक्टेंगल शीट का जो रेशो होता है वो 3 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई होती है, और अगर आप 4 इंच चौड़ाई रखें तो फिर 16 इंच लंबाई होती है, यानी कि आप जितनी भी इंच चौड़ाई रखेंगे उस चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आप 5 इंच चौड़ाई रखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 20, यानी कि 5 × 4 = 20। इस तरह से अगर आप उस रेक्टेंगल समोसे का रेशो रखेंगे तभी आपके समोसे की शेप परफेक्ट बनेगी। मैंने यहाँ पर 3/12 की बनाई, यानी कि मेरी 3 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई होगी। ये देखें, बस समोसा पट्टी हमारी रेडी हो गई है। इसे मैं आपको फोल्ड करके बताती हूँ इस तरह। फिर यहाँ पे स्टफिंग होगी, यहाँ पे आप ब्रश करके इसे इस तरह से फोल्ड कर लें। अब मैं आपको रोल पट्टी काट के बताती हूँ। तो जो रोल पट्टी का रेशो होता है वो एक स्क्वायर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी जो रोल पट्टियाँ काट रही हूँ वो मैं मिनी रोल्स के लिए काट रही हूँ, तो मैंने जो रेशो रखा है वो 6/6 का रखा है। आप बड़े रोल बनाना चाह रहे हैं तो आप 7/7 रख लें, 8/8 रख लें, 9/9 रख लें या 10/10 रख लें। बताने का मकसद ये है कि जो रोल पट्टी का रेशो होता है वो एक स्क्वायर यानी कि चकोर होता है, चकोर शीट्स बनाते हैं जिसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने स्टफिंग रखी, इसे इस तरह से फोल्ड किया और ये रोल करके ये हमारे मिनी रोल रेडी है। अब हमारी ये जो शीट्स रेडी हुई हैं ये समोसे की हैं और ये रोल की। इनके साइड से जो कटिंग हुई है ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, इसको आप फ्राई करें और पापड़ी के तौर पे यूज़ करें, बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के साथ जो मैंने अपनी आज की रेसिपी शेयर की है वो मैंने अपनी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर मरियम नूर की रिक्वेस्ट पे शेयर की है। अगर आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।